हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। अगर आपका बच्चा भी झूठ बोलता है तो आज का टॉपिक आपके लिए है। इंडिया सर्च करें। ये इसमें आज हमने ये बच्चों का टॉपिक इसलिए लिया है कि कुछ पेरेंट्स पूछ रहे थे कि अगर बच्चा झूठ बोले तो क्या करना चाहिए। बहुत परेशान रहते हैं पेरेंट्स इस बात से कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है और उससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूँगी कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है या हम झूठ क्यों बोलते हैं, आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स। हम झूठ चार कारणों से बोलते हैं। सबसे पहला कारण होता है डर, कि हमें किसी बात का डर है जिससे बचने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं कि कोई हमें मारेगा या हम ये बात बताएंगे तो ये हमारी पिटाई ना हो जाए या समथिंग। कुछ भी अगर हमारे मन में डर है कि हम ये बात सच बता देंगे तो हम पे मार पड़ेगी, तो बच्चा झूठ बोलने लग जाता है। सेकेंड कारण होता है कि वो किसी काम से बचना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो होमवर्क से बचना चाहता है तो वो बार बार झूठ बोलेगा। काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, मैम आज ये हो गया था, मैम आज वो हो गया था, तो वो बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है कि उसने काम नहीं किया है। काम नहीं किया है इसलिए बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। तीसरा कारण होता है कि उसे कोई चीज़ का प्रलोभन है, कि वो आपसे कुछ चीज़ लेना चाहता है जिसके लिए वो आपसे झूठ बोल रहा है। उसे कोई भी चीज़ लेनी हो, गेम खेलना हो या मोबाइल लेना हो, तो वो आपसे झूठ बोलेगा कि मुझे ये काम है और मुझे आप ये चीज़ दे दीजिए। यानी कि आसानी से आप बेवकूफ़ बन जाएंगे और उसका काम बन जाएगा। बच्चे बड़े तेज़ होते हैं इस मैटर। तो यहाँ पर चौथा जो कारण है, पहले वो बता देती हूँ फिर हमें क्या करना चाहिए इस पर बात करते हैं। चौथा कारण होता है कि झूठ बोलने का हमारा कारण ये होता है कि हमारे सच बोलने से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। इस चीज़ का बच्चों को खास कोई पता नहीं होता है कि तकलीफ़ हो या ना हो, वो तो अपना झूठ बोलते चले जाते हैं। इस बात से उनका कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। हाँ, बड़ों के मैटर में ये चीज़ मायने कर सकती है कि झूठ ना बोलें या कोई किसी को तकलीफ़ हो रही है इसलिए हम झूठ बोलते हैं, लेकिन बच्चों के मैटर में पिछले तीन जो रीज़न हैं वही काम आते हैं कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। तीनों वो रीज़न, एक डर है, किसी का प्रलोभन है या किसी काम से बचना चाहता है। तो यहाँ हम समस्या की जड़ में जाएं। अगर पेरेंट्स को समस्या की जड़ में जाना चाहिए कि ये समस्या है क्यों, झूठ बोलने की समस्या कहाँ से आई। 3-4 साल का बच्चा यदि झूठ बोलता है तो फिर वो बाहर तो जा नहीं रहा, ये झूठ बाहर से तो आ नहीं रहा। तो सबसे पहले पता लगाएं कि ये समस्या कहीं घर से ही तो शुरू नहीं हो रही है। आप स्वयं पर ध्यान करें कि आप तो बार बार में झूठ नहीं बोलते हैं छोटी छोटी बातों पर। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि बच्चों के सामने हर छोटी मोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। झूठ बोलना बाहर से नहीं आया है। बच्चे को खाना हमने सिखाया, पीना पहनना चलना आपने सिखाया, बोलना आपने सिखाया, तो झूठ बोलना कहाँ से आ गया। तो पेरेंट्स बिवेयर, आप ध्यान लगाइए कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है, फिर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर उसे डर है किसी बात का तो उसका ये डर दूर कर दीजिए, तो बच्चा झूठ बोलना बंद कर देगा। मार पड़ेगी, कोई बात हो गई, कोई गलती हो गई, मार पिटाई पड़ेगी, तो आप उसका ये डर दूर कर दीजिए, तो ये बच्चा झूठ बोलना बंद कर देगा। कोई चीज़ लेनी है तो उसे समझा दीजिए, अगर देने की है तो दीजिए, नहीं देने की है तो उसे ये जिम्मेदारी पता हो कि ये चीज़ मेरे लेने की नहीं है तो मैं झूठ नहीं बोलूँ। ये जो समस्या है ये हमारे बच्चों के बिल्कुल छोटे जब वो होते हैं तब से शुरू होती है। जब वो पहली बार झूठ बोलना शुरू करता है तो हम ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भी झूठ बोलते थे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और माखन मुंह में भरा रहता था पूरा। तब हम हंस के कहते हैं कि ये तो भगवान का रूप है। इस तरह से उसकी झूठ बोलने की आदतें बढ़ती चली जाती हैं। तो डे 1 से ही आप बच्चों को प्रोत्साहन ना दें झूठ बोलने के लिए।
अगर आप प्रोत्साहन देते हैं तो ये फिर उसके लिए हानिकारक है, उसकी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डाउन जाती है इससे बच्चे की फ्यूचर में। तो पेरेंट्स का मेन जो मोटिव होना चाहिए अपने बच्चे की पर्सनैलिटी बनाना। शुरुआत से ही झूठ बोलने लग जाएगा तो बड़ा हो के झूठ बनेगा, झूठ बोलेगा तो हर काम उसका सही नहीं होगा, झूठ से उसके बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा वो। तो पहले समस्या का ये देखें कि आप खुद से वो समस्या तो शुरू नहीं हो रही है, ये झूठ बोलने वाली प्रॉब्लम बच्चों से ज़्यादा खुद पेरेंट्स से आती है। तो आप खुद इसका समाधान कर सकते हैं कि जो समस्या आपके अंदर से आ रही है आप उसका समाधान खुद कर सकते हैं, कहीं भी उसका हल बाहर ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है, हल आपके पास है। तो आपका बच्चा झूठ क्यों बोलता है पता लगाइए, वो कारण दूर कर दीजिए और आपकी समस्या सॉल्व। आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस लेकर के आपके साथ प्रस्तुत कर सकूं और आपको बच्चों के बारे में और बातें बता सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।